नमस्कार, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एक्चुअली एक अनाउंसमेंट है। सप्तऋषि अपनी सेकेंड ऑनलाइन मास्टर सीरीज ला रहे हैं, जो है 14 जून 2020 संडे को। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, दोनों में होगा। और इसका जो टाइम है वो सुबह 11 बजे से लेके शुरू होगा 11 AM ऑनवर्ड्स। चार्जेस इज 1500 रुपीज प्लस सर्विस टैक्स। अब जो ये सेशन है, इसमें प्रोबेबली 6-7 स्पीकर्स होंगे और ये जो 6-7 लोग होंगे, जो स्पीकर्स होंगे, ये ऑल आर फैंटास्टिक मोस्ट इंटेलिजेंट प्रॉमिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स एंड एक्सपीरियंस एज वेल। इसमें से कुछ लोग तो वो हैं जो सप्तऋषि से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और ये सब मास्टर सीरीज वगैरह में, सब मुंबई इवेंट्स में जो लगातार काम करते आए हैं। देखिये, जो पहला टॉपिक है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज लोन्स। किसको लोन मिलेगा, किसको लोन नहीं मिलेगा और कौन अपना लोन वापस चुका पाएगा, ये दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आजकल लोन लेना इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। व्हेन आई एम सेइंग एवरीवन, स्पेसिफिकली हाउसिंग लोन की बात कर लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स की बात कर लीजिए, व्हीकल लोन्स की बात कर लीजिए। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे लोग लोन्स चुका पाते हैं, कुछ लोगों को लोन्स नहीं मिल पाता है, किन को लोन नहीं मिलेगा, किसको मिल जाएगा और कौन उस लोन को चुका पाएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये देवी चंद जी, जो बहुत ही फैंटास्टिक रेनाउंड और फेमस एस्ट्रोलॉजर है और आपने उनको कई बार देखा भी होगा मुंबई मास्टर सीरीज वगैरह में और कई और जगह, ये देवी चंद जी इस पे बात करेंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं और उनकी टेक्निक्स बड़ी जबरदस्त होती है, तो इसको जरूर देखना चाहिए, इसे मिस नहीं करना चाहिए। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग another topic, वो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्प चार्ट एंड हाउ टू यूज इट। कस्प चार्ट, बहुत सारे लोग मुझे भी फोन करते हैं, मुझसे ही बात करते हैं कि कस्प चार्ट क्या होता है, ये एक कैसे बनता है, इसमें कैसे मूवमेंट होता है, कस्प चार्ट के हिसाब से नक्षत्रों को कैसे यूज किया जाता है और प्लैनेट को उस कस्प के अकॉर्डिंग, उस हाउसेस के अकॉर्डिंग, कस्प के अकॉर्डिंग, डिग्रीज के अकॉर्डिंग एक्चुअली जो कैलकुलेशन की जाती है वो उसको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज इट। ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज एक्चुअली रिलेटेड टू यू नो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। कस्पल दोनों जगह यूज किया जाता है, बट यहाँ जो हम इस सेशन में जो करने वाले हैं, वो करने वाले हैं जितेंद्र त्रिवेदी जी, जो सप्तऋषि के बहुत पुराने मेंबर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर, बहुत सारे इवेंट के ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर और स्पीकर रहे हैं मुंबई वर्कशॉप में भी। सप्तऋषि सीरीज की, मास्टर सीरीज की ये बैकबोन है, ये बहुत एक्सपर्ट है और भृगु नंदी नाड़ी इनका फेवरेट टॉपिक है। इन्होंने भृगु नंदी नाड़ी पे बुक भी लिखी है, जो आप चाहें तो आपको सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में मिल जाएगी। एंड आई थिंक बुक नेम इज न्यू मार्वल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये आपको वहां, अगर आप चाहें तो ये बुक वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द नेक्स्ट इज जो साउथ से आते हैं, मोहन श्रीनिवासन जी, मोस्ट फेमस एंड एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम साउथ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम मेंबर। अगर मैं आपसे बात करूं, ये भी उसी कैटेगरी में है, बहुत पुराने टीम मेंबर हैं, 12 साल या उससे कुछ ज्यादा हो गया होगा इनको सप्तऋषि के साथ। नॉन फेम सीकिंग एस्ट्रोलॉजर्स की अगर आप बात करें तो ये उनमें से एक है। टेक्निक्स, मोस्ट रेयर टेक्निक्स ही नोस, और इस सेशन में स्पेशली ये रेयर टेक्निक पे बात करने वाले हैं। और एक्चुअली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, अननोन पेंडिंग कर्मा ऑफ राहु केतु। देखिए, राहु और केतु ये दोनों जो प्लैनेट है, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हमारे फोर फादर्स इज राहु, करेक्ट, और हमारी स्पिरिचुअलिटी इज केतु। पास्ट लाइफ में हम किस तरह के स्पिरिचुअल थे वो केतु बताएगा,
राहु हमारे फोर फादर्स बताएगा, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा बताएगा। जिस हाउस में राहु बैठा होगा उस लाइफ उस हाउस से रिलेटेड पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा होंगे, उस साइन से रिलेटेड पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा होंगे। ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब इसके अंदर और रेयर टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और जो विच इज रिलेटेड टू पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा। आई थिंक मोहन श्रीनिवासन जी इज वन ऑफ द जीनियस एस्ट्रोलॉजर, और ये टॉपिक जो है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पूरा लाइफ का पैटर्न राहु केतु ही डिसाइड करते हैं और कोई प्लैनेट डिसाइड नहीं करता, चाहे कितना ही एग्जॉल्टेड हो या कितना ही डेप्यूटेशन में हो। अगर आपका राहु केतु उसे स्पॉइल कर रहे हैं या किसी योग को भंग कर रहे हैं या कोई और योग बना रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू इज माई एक्सपीरियंस। सो यू विल बी डिस्कसिंग, मोहन श्रीनिवासन जी इसके बारे में बात करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे ज्योतिषी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उनको यूज करते हैं लेकिन बताते नहीं है। तो उन्हीं टेक्निक्स को जो रिवील करना है वो करने के लिए वो जो टॉपिक है वो है राजयोग, योगी एंड अवयोगी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक बुक आई थी आई थिंक 1950s में आई थी जिसका नाम था न्यू टेक्निक ऑफ प्रेडिक्शन। इस बुक पर वो पढ़ा गया और उस पर फर्दर रिसर्च आगे बढ़ाया गया, और जो उस रिसर्च से जो नया क्रक्स जो नए रूल्स जो नए एक्सपीरियंसेस निकल के आए हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की जाएगी। और ये करेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट यंग एंड डायनामिक एस्ट्रोलॉजर विधान पांड्या, जो सप्तऋषि के पुराने साथी हैं, हमारे साथ काम करते हैं विधान पांड्या जी। ये इसमें काफी डिटेल में बात करने वाले हैं इस सेशन में। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो सारे एस्ट्रोलॉजर जिसको देखना सुनना समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दशा प्रोग्रेशन की, लेकिन दशा प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी टेक्निक से, जो एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसको भी जो लेके आ रहे हैं वो है विनायक भट्ट जी, वेरी यंग हार्ड वर्किंग प्रोमिसिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट लॉजिकल। जब आपसे बात करेंगे तो टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, लॉजिकल बात करने वाले हैं। ये इस तरह के एस्ट्रोलॉजर इस पे ये डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट जो एक टॉपिक मैं भी लेके आ रहा हूँ, मेरा भी एक टॉपिक है एक छोटा सा, वो है डिजीज एंड एक्सीडेंट्स, इंपॉर्टेंट होगा इन बर्थ चार्ट। आपका बर्थ चार्ट बताएगा कि कौन सा डिजीज आपको हो सकता है और कि आपकी कुंडली में एक्सीडेंट का योग है या नहीं। इसके बारे में एक छोटा सेशन मैं डिस्कस करूंगा। ऑल्दो टॉपिक डिजीजेस बहुत बड़ा टॉपिक है, हर आदमी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बीमार पड़ता ही, और उसको अलग अलग तरह का डिजीजेस होता है। एक लाइफ में अलग अलग तरह का डिजीज होता है, कभी लेग से रिलेटेड होगा, कभी हेड से होगा, कभी हैंड से होगा, कभी गिर जाएगा चोट लग जाएगी, टूथ में प्रॉब्लम होगा, कभी लिवर में इंफेक्शन होगा, कभी स्टमक अपसेट होगा, बहुत तरह के डिजीजेस होते हैं। और एक लाइफ में आदमी बहुत तरह के डिजीजेस एक्सपीरियंस करता है, टॉपिक बहुत लंबा है। अगर इसका कोर्स भी करा जाए तो कम से कम 6 महीने 1 साल से कम का कोर्स नहीं होगा। बट क्रक्स में आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कैसे निकालते हैं और कैसे उठाते हैं उसको, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं। इंटरेस्टिंग एंड गुड टॉपिक। लास्ट में बात करूंगा मिस्टर के पाराशर जी की, नाम तो मैं उनका लास्ट में ले रहा हूँ लेकिन एक्चुअली ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप बात करें प्रश्न ज्योतिष की, मोस्ट फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर, रेमेडीज थ्रू मंत्रा, यस ही इज एक्सपर्ट। सप्तऋषि से कब से जुड़े, बहुत पुराने जुड़े हुए, और ये पहले भी मास्टर सीरीज में बात करते रहे, मुंबई मास्टर सीरीज वगैरह में, इन सब में काफी डिस्कशन रहते हैं, इनके लेक्चर्स रहे हैं। अच्छा, बहुत काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी कुछ उनसे सीखने को मिला है और आगे भी मिलेगा। ये जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं उनका नाम, उसका नाम है निमित्ता क्लॉक टाइम मेथड, घड़ी से प्रश्न कुंडली, क्लॉक के टाइम से प्रश्न कुंडली निकालना और उसे प्रेडिक्शन देना। आई थिंक विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा छोटा टॉपिक है। अगर इस पे एक्सपर्टीज कर ली जाए तो आपको कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ घड़ी देखिए, क्लॉक टाइम मेथड प्रेडिक्शन दीजिए। सो पाराशर जी इज एक्सपर्ट, आई थिंक ही विल डिस्कस, ये सब इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मुंबई मास्टर सीरीज जो है ये इस बार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक बार फिर बता दूं, नो रिफंड पॉलिसी, नो एडजस्टमेंट पॉलिसी,
नो रिवर्सल पॉलिसी, नो रिकॉर्डिंग्स। तो मेरा सजेशन है सब लोग वो ज्वाइन करें, रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी, मनी रिटर्न नहीं की जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद, और कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। सो बी केयरफुल, बट दीज आर सम रूल्स, बिकॉज इन सबको मैनेज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज काफी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, बैक एंड स्टाफ को बहुत काम करना पड़ता है। सो सिंपल, ये कैसे होगा, आई थिंक मुझे ये भी आपको दिखाना चाहिए कि मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ कि इसका पेमेंट कैसे होगा और आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है सप्तऋषि की वेबसाइट पे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सप्तऋषि की वेबसाइट है। अब इसमें जाइए, एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज में, अपकमिंग कोर्सेज में जाइए, इसमें आप नीचे आइए, आपको